सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों का सिलसिला शुरू करने तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। दिल्ली कमेटी चोणां नूं लैके वर्कर होरना पार्टियां वल कर रहे ने रुख। जागो पार्टी नाल जुड़े हुए भुपिंदर सब्बरवाल श्रोमणी अकाली दल दिल्ली सिरसा दल विच होए शामिल। पार्टी वालों किया गया सब्बरवाल का सन्मान। मानसा की अदालत ने जबर जनाह मामले च एक दोषी नूं सुनाई 20 साल की सजा। इंसाफ मिलन ते अदालत के फैसले तो मुद्दई पक्ष खुश। तरन तारण के पिंड बलेर की एक बुजुर्ग मां अपने धी पुत नूं संगलां नाल बन के रखण लई मजबूर। समय दीआं सरकारां नहीं लै रहीआं परिवार दी साथ। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां आगामी 22 अगस्त नूं होण जा रहीआं ने, जिस नूं लैके सब पार्टियां अपनी जोर अजमाइश कर रहीआं ने। इसे दे चलदिआं कुछ आगू वख वख पार्टियां विच शामिल भी हो रहे ने। इसे तहत दिल्ली के वार्ड नंबर 43 तो जागो पार्टी नाल संबंध रखते भुपिंदर सब्बरवाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में जागो पार्टी छड़ के श्रोमणी अकाली दल बादल सिरसा में शामिल हो गए हैं, जिन्हां नूं प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने सिरोपा दे के सन्मान किया। देखो उन्हां दा ते काम उन्हां कोल कोई एजेंडा नहीं रहा। जदों भी कोई आदमी हताश हो जाता अपनी जिंदगी अंदर, फिर हमेशा कहिंदा अंगूर खट्टे आ, दूजियां ते दोष लाउणे। अपनी काबिलियत जदों नाकाम हो जाता फिर इक्को लड़ाई हुंदी आ कि मैं ये साबित करूँगा जी मैं ते नाकाम है, पर यह भी नाकाम आ। वो उस लाइन पर चले हुए ने, उन्होंने कोल ना कोई एजेंडा है, ना उन्होंने कोल कोई विजन आ। स्कूल उन्होंने तबाह करते, हस्पताल उन्होंने उजाड़ दिते, सिखा का उन्होंने नुकसान किया, 84 का उन्होंने साथ दिता। और अज जदों नौजवानों दीआं टीमां ने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी सिक्खी का परचम लहराया है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दुनिया तक पहुँचाया है, यही कारण आ सारी संगत साथ देना चाहती आ। 25 तरीक आ गई आ, सरना साहब ने पिछली बार कहा कि मैं इलैक्शन दे छड़ती, मैं जे हार गया तो दोबारा आऊँगा नहीं, ऐर की मुकर गए। पर संगत ने पिछले भी बिठाता सी घर, 25 आ गई, 25 नूं दुध ते दुध पाणी दा पाणी हो जाणा है। 46 सीटां ते इलैक्शन होण जा रही आ, गुरु की कृपा रही। दिल्ली की संगत का जो मैं जोश देख रहा, जो दिल्ली की संगत का आश्वासन देख रहा है, 45 सीटां जितांगे। 45 काका साहब तुसीं की गल कहने, बल मिलिया, परिवार तुहाडा जुड़िया, बहुत संगतां जुड़ चुकियां ने, की लगता इस सीट की गल की जाए, जित हासिल है? सिर्फ इस सीट की गल नहीं, जिस तरीके ने तुहानूं हुणे दस्सिया कि सब्बरवाल परिवार का प्रभाव पूरे जमुना पार दे विच है, और जिहड़ियां 6 सीटां ते साडे कैंडिडेट लड़ रहे ने, 6 दे 6 नूं बल मिलेगा, क्योंकि एक इन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट किया, एग्जाम्पल जिहड़ा सैट करके दुनिया नूं दिखाता है कि साडे वास्ते कोई कुर्सियां मैना नहीं रखदियां, कोई अहुदेदारियां मैना नहीं रखदियां, कौम की चढ़दी कला मैना रखती है, और जिहड़ा पंथ नाल धरो कमाएगा असीं उहदा साथ नहीं देंगे। ये इन्होंने अज एग्जाम्पल सैट किया, सो इन्हों वधाई भी है और ये पार्टी नूं भी बड़ा बल मिलेगा। देखो मैं सरना साहब की गल का की जवाब देवां, जे संगतां दा पैसा कोविड के हॉस्पिटल च लग रहा दुनिया नूं नज़र आ रहा, जे उत्थे डायलिसिस दे हॉस्पिटल बने जा रहे हैं जिथे इलाज फ्री करा रही है, ये दुनिया देख रही है, जिथे तुहानूं हुणे दस्सिया कि जिहड़ियां तनखावां इस समय दे विच 100% तनखावां स्टाफ नूं दित्तियां जा रही है, जिस वक्त साडे भैन भरावां को काम नहीं है, जिहड़े फीसां नहीं दे सकते बच्चों दीआं, फिर भी गुरुद्वारा कमेटी उन्हां नूं कर रही है। इस संगतां दे सहयोग नाल काम हो चलता है, और काम सारे जिहड़े ने गुरु महाराज की कृपा नाल सारी संगत चला रही है। असीं एक माध्यम बने हुए हैं कि उस पैसे नूं, उस सिस्टम नूं एक मैनेजमेंट दे तौर दे तरीके नाल ठीक तरीके नाल चला सकीए। इह सारी संगत खड़ी होई है, सारे इतों के नुमाए, यह संगत नहीं है, यह प्रधान साहब ने, यह भी प्रधान साहब ने, यह भी प्रधान साहब ने, एक एक शख्सियत खड़ी हुई जमुना पार की। मैं संगत, मैं बिच टोकर लगा, संगत नहीं खड़ी हुई, यह सारे मौजूद बंदे खड़े हुए ने, यह संगत नहीं है। तो वह मैं कहना चाहता, असी 3-4 मेरे कहने तो बिना ही, जिन्होंने सुनी है वीडियो, उन्होंने 4 वीडियो पा दी है कि तुसी एदा प्रूफ दसो, तुसी कोई जिहड़ा इल्जाम, बेबुनियादी इल्जाम लगा रहे हो, और वह भी उन्होंने संगत का कहना है, साढ़े भाई अंकल जी खड़े ने, उन्होंने कहा है कि यह परिवार की तो गरंटी असी लै सकते हैं, और जमुना पार च सब तो शरीफ और सब तो सच्चे सुच्चे बंदे जिहड़े ते इल्जाम लगा रहे हैं, तो अपने आप भी अपनी बुराई कमा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, संगत कह रही है।
मानसा की अदालत वालों साल 2017 के एक नाबालिग लड़की नाल जबर जनाह के मामले में फैसला सुनाउंदिया एक दोषी नूं 20 साल की सज़ा का हुक्म सुनाया। अदालत ने मुफ्त कानूनी सेवावां अथॉरिटी मानसा नूं यह भी हुक्म दिता है कि पीड़ित लड़की नूं 15 दिनों के अंदर अंदर 4 लाख रुपये मुआवजा दिता जाए। अदालत के फैसले उपरंत इंसाफ न मिलन से मुद्दई पक्ष काफ़ी खुश है। दरअसल दोषी गुरजीत सिंह वासी मानसा ने जिले के एक पिंड नाल संबंधित एक नाबालिग लड़की नूं व्याह दा झांसा दे के उस नाल जबर जनाह कीता सी, जिस संबंधी थाना जोगा दी पुलिस ने 1 दिसंबर 2017 नूं मामला दर्ज कीता सी, जिसका अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पंजाब अंदर अतवाद के समय पता नहीं किन्ने व्यक्ति ते नौजवानों का कतल होया। उस काले दौर के दौरान कई परिवार उजड़ गए, कई परिवार रोजी रोटी तो भी आतर हो गए। इस तरह का हुण मामला सामने आया विधानसभा हलका खेमकरण के अधीन आउंदे पिंड बलेर का, जिथे एक बुजुर्ग मां वालों अपनी जवान धी ते पुत नूं संगलां नाल बन के पिछले 30 सालों तो रखा गया। सिमरनजीत कौर उम्र 65 साल, पत्नी अमर सिंह ने अपनी दुख भरी दास्तां सुनाउंदिआं दस्सिआ कि अतवाद समय अतवादियों वालों उसके पति नूं मार दिता गया ते उसकी धी कुलदीप कौर ते पुत्र गुरसाहिब सिंह दे सामने उस नाल भी कुटमार की गई। उसके दोवें धी ते पुत ए सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके ते उस समय तो ही वह दिमागी तौर पर पागल हो गए ने। पिछले 30 साल तो अपनी धी ते पुत नूं संगलां दे नाल बन के रख रही है। बड़ी हैरानी वाली गल है कि ना तो इस परिवार को कोई अतवाद पीड़ित की पेनशन मिली है, ना ही कोई सहूलत। जो पंजाब सरकार वालों 750 रुपये बुढ़ापा पेनशन मिलती सी, वह भी पिछले 2 सालों तो बंद हो गई है। उन्होंने दस्सिया है कि उसके 2 होर पुत्र ने जिन्हों को 2 एकड़ जमीन है, तो वह भी अपने घर का गुजारा करने लिए अज मजदूरी कर रहे हैं। जो भी मीडिया वालों यह मामला सरकार के सामने लिया जाता तो फिर इसनों धमकियां दी जा ने कि वह जान बुझ के यह कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के कोलों मांग की है कि उन्होंने परिवारक मैंबर सरकारी नौकरी दी जाए तो अतवाद पीड़ित पेनशन भी लगाई जाए। अठ महीनों की गर्भवती होने के बावजूद धारीवाल की रहने वाली एक औरत गुरदासपुर की सड़क से राजमा कड़ी चौल वेचण के लिए मजबूर हो गई है। 1.5 महीने पहला पति के गुजर जाने तो बाद किसी ने बात नहीं पूछी तो रजनी ने नौकरी लभण की कोशिश की, पर गल नहीं बनी। नज़र गवा चुके बुजुर्ग सहुरे ते सास तो इलावा 8 साला बच्चे की सिर ते जिम्मेदारी पै गई सी, इसलिए उसने रसोई कला के हुनर नूं ही अपना रुजगार बना लिया। इस विच साथ दिता उसकी भरजाई महक ने, जो तड़कसार आके भोजन बनाउण विच उसका हथ वटाउंदी है ते उसके भरा जो खुद एक निजी हस्पताल विच नौकरी करता है। रजनी अनुसार भोजन बेच के 200 तो 300 रुपये रोज़ कमा लेंदी है, जिस नाल बुजुर्ग सास सहुरे ते उसदी अपनियां दवाइयां तो इलावा घर का भी खर्चा चलता है। रजनी कहती है कि ब्याह तो बाद सास सहुरे ने उसनू अपनियां धीआं वांग रखिया है ते इसलिए उन्हां दी सेवा करके ही वो अपना फर्ज निभा रही है। जगराऊ थाना सदर के अंतर्गत पैंदी चौंकी मान के इंचार्ज शरणजीत सिंह ने दस्सिया है कि उन्होंने एक लगभग 7 तो 8 साल का मुस्लिम कौम से संबंधित बच्चा मिलिया, जो कि अपने मां बाप को विछड़ गया है। अपना नाम हर्षी ते अपनी मां का नाम सुनती दस है। पुलिस ने जानकारी साझी करद आख्या कि उन्होंने इस वीडियो देख रहे सज्जन या परिवारक मैंबर चौंकी इंचार्ज के फोन नंबर 8549000296 से गल कर सकते हैं। पंजाब विच कांग्रेस के लिए अगला हफ्ता बहुत अहम मनिया जा रहा है। कांग्रेस के कौमी जनरल सकत्र हरीश रावत के सोमवार या मंगलवार चंडीगढ़ आने की संभावना जताई जा रही है। रावत नूं कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी अपना सुनेहा देकर चंडीगढ़ भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोनिया गांधी के नाल हुई मुलाकात तो बाद फैसला किया गया कि हरीश रावत चंडीगढ़ आएंगे ते पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के नाल मुलाकात करेंगे। वह कैप्टन के नाल भी बैठक करेंगे, फिर दिल्ली जाके सोनिया नूं रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रावत के आने का मकसद पंजाब सरकार ते पंजाब कांग्रेस दरमियान आपसी तालमेल नूं बेहतर बनाउणा है। सिद्धू वालों जिस तरह सरकार ते कुछ समा पहला जनतक तौर ते हमले किए गए ने, संभव तौर ते इस मामले नूं लैके रावत सिद्धू नाल गलबात कर सकते ने। दूजे पासे अगले हफ्ते प्रस्तावित पंजाब कैबिनेट फेरबदल वाल भी कांग्रेसियों दीआं नज़रां टिकियां होईआं ने, जिन्हां मंत्रियों की कुर्सी नूं खतरा दस्सिया जा रहा। उन्हां विच ज़्यादा बेचैनी देखी जा रही है। पंजाब कैबिनेट विच डॉक्टर राजकुमार वेरका नूं वाल्मीकि भाईचारे वालों नुमाइंदगी मिलन की संभावना भी जताई जा रही है।
15 अगस्त को लेकर अमृतसर में रेड अलर्ट जारी किया गया है, खास करके जो आजादी दिहाड़े मौके सूबा पदरी समागम अमृतसर च हो जा रहा है। गुरु की नगरी च बीते दिन हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया। गुरु की नगरी की पुलिस पूरी तरह चौकस होने का दावा कर रही है तो सारे शहर च पुलिस वालों नाकाबंदी की गई है, पर फिर भी लुटा खोहां दी वारदातों च कमी नहीं देखने मिल रही है, सगो लगातार इजाफा ही हो रहा है। ताजी घटना वापरी अमृतसर के राम बाग थाने के बिल्कुल नेड़े जिथे खल खरीद रहे व्यापारी की गड्डी का शीशा तोड़ के लुटेरे कैश वाला बैग लेके फरार हो गए। उधर पुलिस वालों हमेशा की तरह हुण मामले की जांच की गल आखी जा रही है। यूपी की योगी सरकार वालों 1984 के सिख कतलेआम की जांच करवाए जाने के आदेश तो बाद जांच कमेटी वालों सिख परिवार के घर का दरवाजा खोलिया गया तो उ 1984 कतल किए गए सिख प्यो पुत का पिंजन मिलन के नाल जांच कमेटी हैरान रह गई है। योगी सरकार द्वारा जांच के दिए गए आदेशों तो बाद SGPC की प्रधान ने तसली प्रगट करद कहा कि नवी जांच कमेटी के सामने कतलोगारत के 1251 केस सामने आए हैं, जिन्हों 11 केसों में लोगों बरी किया जा चुका है। एक सिख परिवार के घर प्यो पुत के पिंजर मिलन से 1984 का दर्दनाक मंजर दोबारा सामने आ गया। हैरानी की गल यह है कि 36 साल तो यह घर बंद सी, फोरेंसिक टीम ने भी कहा कि इंसान की अस्थियां ने, जेकर अज भी 1984 के सिख कतलेआम के दोषियों सजा मिलती है तो सिखा से कुछ मरहम लगेगी। नाल ही अफगानिस्तान में तालिबान वालों देश के वड्डे हिस्से से कब्जा किए जाने तो चिंतित बीबी जगीर कौर ने कहा कि वह भारत सरकार को अपील करते हैं कि अफगानिस्तान में रह रहे सिखों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके। अमृतसर दे विच लगातार लुटा खोहां दीआं वारदातां सामने आ रही ने। अमृतसर के राम बाग थाने के नज़दीक पहला एक कार विचों नकदी चोरी का मामला सामने आने तो बाद पुलिस ने उसकी जांच शुरू कर दी है। फिरोजपुर के सारागढ़ी गुरुद्वारा साहब के नज़दीक उस समय सनसनी फैल गई जदों काम तो घर जा रहे प्रदीप धवन नाम के व्यक्ति से कुछ अणपछाते व्यक्तियों ने गोलियां चला दित्तियां, जिस तो बाद जख्मी तुरंत फिरोजपुर के बागी हस्पताल में दाखिल करवाया गया जिथे कि उसका इलाज जारी है। पर इस तरह शरेआम एक व्यक्ति के गोलियां चलन की घटना ने एक बार फिर पुलिस सुरक्षा से वड्डे सवाल खड़े कर दिए ने। दूजे पासे जदों पुलिस के नाल राबता बनाया गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों अपनी कार्रवाई की जा रही है तो जल्द ही व्यक्ति ट्रेस कर लिया जाएगा। तरन तारण के पिंड बलेर विखे 60 के करीब पाकिस्तानी गुब्बारे मिलन की खबर है। मौके पर पुजे उप पुलिस कप्तान DSP लखबीर सिंह इंस्पैक्टर बलविंदर सिंह ने दसिया कि यह गुब्बारे नंबरदार करतार सिंह के खेतों नेड़े बरामद हुए हैं, जिन्हों बारे पता लगन से वख-वख विभागों नाल तालमेल करके इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहली नज़र यह गुब्बारे पाकिस्तान तो आए लगते हैं, जिन्हों पर 14 अगस्त मुबारक से दिल दिल पाकिस्तान लिखा हुआ, पर फिर भी इन्होंने गुब्बारों की जांच की जाएगी कि यह गुब्बारे पाकिस्तान या भारत वाले पास तो किस दिशा तो आए ने। फिलहाल पुलिस वालों सारे मामले की बारीकी दे नाल जांच की जा रही है। चंडीगढ़ हाईवे स्थित पिंड लहरा मुहब्बत की मार्केट के कोल बीते दिन छोटे हाथी का टायर फटन नाल डिवाइडर से लगा लोहे का 6 फुट लंबा एंगल हरदीप सिंह नामी व्यक्ति की छाती के आर पार लंघ गया। रागिरा ने उसे हस्पताल पहुंचाया जिथे एंगल नू कटिया गया ते फिर 5 घंटे तक ऑपरेशन किया गया। इस मौके सर्जन डॉक्टर संदपी ढंड के मुताबिक एंगल दिल के 0.5 सेंटीमीटर कोलों निकलिया, जेकर हार्ट डैमेज हो जाता तो बचना भी मुश्किल से। हरदीप नू बेहोश करने के बाद करीब 5 घंटे ऑपरेशन के बाद हुण ओह बिल्कुल ठीक है। उसके 2 रिबसल ते कैपुला नू नुकसान पहुंचे, जब तक सर्जरी नहीं हुई हरदीप वाहिगुरू का ही जाप करते रहे। इस खबरों का सिलसिला इतनी समाप्त होंगे। नवी ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे, तद तक लिए इजाजत दियो, धन्यवाद।